तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ओमरॉन का इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी कह सकते हैं सिंपली। ये मॉडल, इसका मॉडल नंबर है E2B M18 KN60 WP C1। तो ये एक मेटेलिक सेंसर है जो सिर्फ मेटल टारगेट को सेंस करता है, और इसको इसका डायमीटर है 18 mm। इसको बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब भी मार्केट में जाए तो हम 18 mm डाया, M18 डाया बोलते हैं इंडक्टिव सेंसर के लिए। इसमें बेसिकली तीन वायर हैं, रेड फॉर पॉजिटिव, ब्लू फॉर नेगेटिव एंड ब्लैक इज फॉर आउटपुट। ये दोनों सप्लाई पॉइंट्स रहेंगे। ये सेंसर DC पे वर्क करता है, और DC की जो वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज रहेगी अराउंड 12 वोल्ट DC टू 24 वोल्ट VDC पे ऑपरेट करेगा ये सेंसर। इस रेंज के बीच में सेंसर ऑपरेट करेगा। तो अब इसके एंड पे जो C1 लिखा हुआ है, वो कई बार B1 भी लिखा होता है। अब C1 का मतलब समझ लेते हैं। C1 का बेसिकली मीनिंग ये है, सेंसर की जो आउटपुट है वो NPN NO है, विच मीन्स आउटपुट होगी NPN बेस्ड, और अगर B1 लिखा होता तो वो होती PNP बेस्ड। अब NPN NO का बेसिकली मीनिंग समझ लेते हैं। NPN NO का मतलब ये है, NPN से समझते हैं पहले, जो जब टारगेट आएगा इसके सामने तो जो आउटपुट में जो वोल्टेज आएगी वो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इन रेफरेंस टू दिस पॉजिटिव वोल्टेज जो कनेक्टेड होगी यहाँ पे। यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे जीरो आया, और विद रेफरेंस टू दिस पॉजिटिव वोल्टेज। इसके रेफरेंस में तो कोई कुछ बना ही नहीं, कोई वोल्टेज आई नहीं यहाँ पे। अगर ग्राउंड को लेंगे रेफरेंस, इसके रेफरेंस में यहाँ पे ये नेगेटिव वोल्टेज होगी, और अगर PNPNO होता तो ये पॉजिटिव वोल्टेज काउंट होती कि जब टारगेट आता तो यहाँ पे 1 आता विद रेफरेंस टू दिस ग्राउंड वोल्टेज। और NO का बेसिकली मीनिंग ये है, नॉर्मली ओपन, मतलब इनिशियल स्टेट जब कोई टारगेट नहीं है तो यहाँ पे कुछ कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी इनिशियल स्टेट में। जब टारगेट आया तब ये ट्रिगर होएगा सेंसर। तो अभी मैंने सेंसर को वोल्टेज दी है अराउंड 14.3 वोल्ट DC, और ये अब सेंसर किसी मेटल टारगेट को सेंस करेगा। इसके बैकलाइट में एक LED है, वो इंडिकेशन दिखाएगी प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक टारगेट। तो जस्ट ए फेरस मेटल है, तो जब ये उसको सेंस करता है तो बैकलाइट इससे पता लग रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है आउटपुट वायर की। तो जब प्रेजेंस ऑफ टारगेट रहेगा तो आउटपुट वही रहेगा, PNP आउटपुट रहेगा या फिर NPN आउटपुट रहेगा। अब बात आती है सेंसर की सेंसिंग रेंज के बारे में। इस सेंसर की सेंसिंग रेंज है 16 mm, जो बेसिकली ये बताता है कि इसकी काफी ज्यादा हाई रेंज है एज कम्पेयर टू दोज लोकल सेंसर। और इसकी सेंसिंग रेंज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट क्या है। मैक्सिमम सेंसिंग रेंज तब होगी जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेरस मेटल होगा टारगेट में, और मिनिमम तब होगी जब मिनिमम मेटल होएगा फेरस कंटेंट, या एल्यूमिनियम पे कम होएगा या गोल्ड पे भी, और गोल्ड पे सबसे कम रहेगा। मैक्सिमम तब होएगा जब फेरस कंटेंट सबसे ज्यादा रहेगा। इसे टारगेट है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अराउंड 1.2 इसकी सेंसिंग रेंज है, 1.2 mm अभी। तो अभी भी मैक्सिमम इसलिए नहीं, इस पे भी कुछ मिक्सचर रहा होगा या है कुछ इम्प्योरिटीज अभी है। जो सेंसिंग रेंज डाटा शीट में लिखी होती है वो मैक्सिमम फेरस कंटेंट के लिए लिखी होती है। काफी हाई फ्रीक्वेंसी है सेंसिंग रेंज की। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है जब एक टारगेट पास हुआ और अगले टारगेट के बीच में जो टाइम डिफरेंस मिनिमम है और उसको वो काउंट कर रहा है एज अ नेक्स्ट टारगेट। ऐसा नहीं हुआ कि दो टारगेट पास हो गए और उसने उसको एक ही का काउंट किया, हाई स्पीड से पास हुए, वो उसको इंडिविजुअली एक ही करके काउंट कर रहा है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर भी कह सकते हैं हम इसको। हाई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को बहुत इजीली सेंस कर लेता है विदाउट एनी मैल फंक्शन, जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक स्विच। इसमें कोई सेंसिंग एडजस्टमेंट नहीं होती जैसे हम देख रहे हैं। अलग अलग डाया के ऊपर अलग अलग सेंसिंग रेंज होगी। जैसे अगर M18 में 16 mm है और M8 में और कम सेंसिंग रेंज होगी। जितना डाया कम होता रहेगा सेंसर का, वो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, डाया के साथ सेंसिंग रेंज भी कम होती रहेगी। अब बात आती है इसको सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज किया जाता है। ये बेसिकली इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर दी काउंटिंग, फॉर अलाइनिंग, अगर कोई भी मेटल टारगेट या हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है तो ये उसके चारों तरफ लगे होते हैं यही सेंसर। पोजिशनिंग अलाइनिंग भी कह सकते हैं हम, काउंटिंग में यूज करते हैं हम इसको, या कोई भी कॉइन इंडस्ट्री है या फिर कोई भी लॉक मेकिंग। अगर हम इसके भी देखें, अगर हम असेंबली लाइन में देखें कितने ऑब्जेक्ट्स अगर एक बार में ये गए तो ये वहां पे भी यूज होता है, नट बोल्ट इंडस्ट्री हुई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे रिगार्डिंग दिस इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।